करोना नियंत्रण पै केंद्र आरोग्य शाखा संयुक्त कार्यदर्शि लव अग्रवाल मात्लाडुतुन्नारु लाइव चूदा हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल से क्रिटिकल नॉन कोविड पेशेंट्स को इक्वल कंपैशन के साथ अटेंड करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स को वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को बढ़ावा देते हुए ट्रांसफ्यूजन के लिए सफिशियंट ब्लड स्टॉक बनाए रखना चाहिए। इसी तरीके से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से किए जाने वाले मोबाइल ब्लड कलेक्शन सर्विसेज का भी उपयोग करना चाहिए। अब तक का डिटेल डेटा अगर हम देखें तो देश में 1992 लोग क्योर हो चुके हैं, जिसके द्वारा अगर हम देखें तो हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज इज समथिंग अराउंड 13.85%। कल से टोटल 991 एडिशनल पॉजिटिव केसेस आए हैं, विच टेक्स आर कन्फर्म केसेज टू 14,378 केसेज। लास्ट 24 आवर्स में 43 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, टेकिंग आर टोटल डेथ टोल टू 480 डेथ्स। आज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है, जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी, उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। ये वह डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर इससे पहले पॉजिटिव केस आए थे। 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इससे पहले जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था, उन जिलों के अलावा 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स, 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, इन जिलों में हैं बिहार से लखीसराय, गोपालगंज और भागलपुर, उदयपुर और धौलपुर राजस्थान से, पुलवामा जम्मू कश्मीर में, तोबल इन मणिपुर, चित्रदुर्गा कर्नाटका में, होशियारपुर पंजाब में, रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा में, लोहित अरुणाचल प्रदेश में, भरदक पुरी उड़ीसा में, करीमगंज, गोलाघाट, कामरूप रूरल नालबारी और साउथ सलमारा असम से, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल से, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। इससे लिंक्ड फैक्ट है कि 3 ऐसे जिले जिसमें पहले 14 दिन तक केस नहीं आए थे, वहाँ पर पॉजिटिव केस भी रिपोर्ट हुए हैं। वह है पटना बिहार में, नादिया वेस्ट बंगाल में और पानीपत इन हरियाणा, जहाँ पर कि कुछ पॉजिटिव केस आए हैं। यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूँ कि यह एक लड़ाई है, यह एक बैटल है जिसमें हमें डे टू डे कंटिन्यूड विजिल पर रहना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। डेथ का जो डिटेल्स आई थी, अगर हम उसको एनालाइज करें तो हमने देखा है कि हमारे देश में मॉर्टैलिटी करीब 3.3% पाई गई है, जिसमें अगर एज वाइज एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 0 to 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14.4% ऑफ पीपल वहाँ पर डेथ नोट की गई है, 45 to 60% में 10.3%, 60 to 75 में 33.1% और 75 ईयर्स एंड अबव में 42.2%। तो यानी कि हम देखते हैं कि 75.3% केसेस जो हैं वह 60 प्लस उम्र के लोगों में डेथ नोट की गई है। इसी तरीके से कोमॉर्बिड कंडीशंस के बेसिस पे एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि 83% केसेस में कोमॉर्बिडिटीज भी पाई गई हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि इससे पता लगता है कि एल्डरली पीपल और पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज वह हाई रिस्क केसेस में आते हैं। आज लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, क्योंकि उसके घर में अगर कोई बुजुर्ग भी हैं तो उसके द्वारा उनको भी इन्फेक्शन पास होने का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि 14,378 पॉजिटिव केसेज जो आए हैं उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेज निज़ामुद्दीन मरकज क्लस्टर से, सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए, मुख्यतः तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसी हाई डिजीज बर्डन स्टेट्स में
जो कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ केस लोड्स हैं, वहां पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड केसेस पाए गए हैं। तमिलनाडु में 84% केसेस, दिल्ली में 63% केसेस, तेलंगाना में 79% केसेस, यूपी में 59% केसेस और आंध्र प्रदेश में 61% केसेस इस इवेंट से लिंक नोट किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कुछ कम केसेस रिपोर्ट होने वाले राज्यों में भी इस इवेंट से रिलेटेड केसेस ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो एक मामला आया है वह इस इवेंट से रिलेटेड है, असम में 35 केसेज में से 32 केसेज यानी कि 91% केसेज, अंडमान निकोबार में 12 में से 10 केसेज यानी कि 83% केसेज का सेम लिंक पाया गया। इस इवेंट को मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि सरकार की सलाह के अनुसार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई एक भी व्यक्ति पालन नहीं करता है, उसके पालन ना करने से देश के लिए कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना है, हमें सबको मिलकर यह प्रयत्न करना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें, डिजीज मैनेज करने के लिए लॉकडाउन से संबंधित डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें। इसके साथ ही टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के केयरफुल रिव्यू करने के बाद ICMR ने नेशनल टेस्ट टास्क फोर्स की एडवाइस के तहत एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसको मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। इसके द्वारा उन्होंने बताया है कि मुख्यतः जैसे आप लोग इस प्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं कि रियल टाइम PCR टेस्ट इज एक्चुअली द गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंटलाइन टेस्ट फॉर COVID-19। ये पॉइंट इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि हम सबको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रियल टाइम PCR टेस्ट वर्सेज एंटीबॉडी टेस्ट के क्या क्या रोल और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि रियल टाइम PCR टेस्ट को ही हम कंफर्मेशन टेस्ट के रूप में मानते हैं। जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है वह इस टेस्ट को रिप्लेस नहीं करता, और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का प्राइमरी पर्पज है कि वो प्रिवलेंस ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर एरिया के बारे में दर्शाता है। और इसकी यूटिलिटी, जैसे कि इससे पहले भी अवगत किया गया है कि एंटीबॉडीज बनने में करीब मिनिमम 7 दिन लग सकते हैं बॉडी में, तो इसकी यूटिलिटी अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है तो 7 दिन के बाद ही उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, तो उसके बाद ही इसकी कोई हमें क्लैरिटी या कोई आउटपुट मिलता है। साथ ही रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पज कन्फर्मेटरी टेस्ट रूप में ना होते हुए एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज और सर्वेलेंस पर्पजेज के लिए किया जाता है। इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को भी जब किया जाए तो प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के तहत किया जाए, और साथ ही हमने ये बताया कि इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को हॉटस्पॉट में यूज करना है। इन केस किसी डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में अगर कोई एरिया हॉटस्पॉट के रूप में डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने एडवाइस दी है कि वहां पर भी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या तो हॉटस्पॉट का जो इमर्ज हो रहा है उसके एनालिसिस के लिए यूज किया जाए, या एज ए सर्वेलेंस टूल यूज किया जाए एपिडेमियोलॉजिकल पर्पजेज के लिए, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए उन एरिया में जहां केसेस नहीं आए हैं। इसके साथ ही एक बहुत मुख्य इशू यह है कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वो सर्वेलेंस पर्पज से और एपिडेमियोलॉजिकल पर्पज से जो डेटा हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उसके तहत अगर हमारे को कोई पॉजिटिव केस मिले तो उससे रिलेटेड हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फॉलोअप के लिए जरूरी है कि वह टेस्ट की डिटेल भी ऑनलाइन पद्धति से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और साथ ही नेशनल लेवल पर पहुंचे, जिसके तहत हमने आदेश ये दिए हैं कि जो भी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करें वह भी covid19cc.nic.in /ICMR इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करके उसके बाद ही इन टेस्ट का इस्तेमाल करें, ताकि इसके द्वारा मिली हुई इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल कर सकें। साथ ही देश की टेस्टिंग स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। इसमें जो बताया गया है कि चाहे वो PCR टेस्ट हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ केयर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, इनको किस किस लोगों के ऊपर करना है। इसमें मुख्यतः सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, ए सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स जो कोई लैब कन्फर्म केस के सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हो, उनका टेस्ट होना चाहिए। इसी तरह कोई हेल्थ केयर वर्कर जो सिम्टोमेटिक हो उसका टेस्ट होना चाहिए। साथ ही कोई सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस से अगर कोई पेशेंट हो जो किसी फैसिलिटी में जाता है, उसको अगर कोई फीवर, कफ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। और एसिम्टोमेटिक यानी कि जिसके कोई सिम्टम नहीं है, उसका तब टेस्ट करना चाहिए जबकि या तो वो किसी हाई रिस्क कन्फर्म केस का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, और उसकी भी टेस्टिंग तब करनी चाहिए 5वें दिन और 14वें दिन जब वो कॉन्टैक्ट में आया हो, ताकि उसके बेसिस पे हम क्लैरिटी ले सकें कि अगर कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट है नहीं है।
इसके साथ ही अगर एक एल्गोरिथम के रूप में हम देखें कि एडिशनल अगर कोई हॉटस्पॉट एरिया में हम कोई टेस्टिंग करते हैं, तो हमारा प्रयत्न ये होगा कि हॉटस्पॉट एरिया में भी जो किसी की अगर फीवर, कोल्ड और कफ के सिम्टम्स हों, तो अगर 7 दिन से पहले अगर उस आदमी को ऐसे सिम्टम हों, तो हम RT-PCR टेस्ट के द्वारा उसको आइडेंटिफाई करें। अगर पॉजिटिव है तो उसे कन्फर्म केस मानकर एक्शन प्लान के तहत कार्य करें, नेगेटिव है तो भी उसे ससेप्टेबल मान के हम उसको मॉनिटर करें। इसी के साथ ही अगर कोई केस जिसको ये सिम्टम है फीवर, कफ और कोल्ड के, तो अगर उसको 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इन सिम्टम्स के साथ, तब हम उस केस में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आए तो उसको क्वारंटाइन रखें और साथ में उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य शुरू करें। इसके साथ ही अगर वो नेगेटिव आए, तो क्योंकि इसे 100% कन्फर्मेशन उस टाइम तक नहीं मिला, तो भी इसको 14 दिन यानी कि 7+7 उस दिनों तक मॉनिटर करें, और अगर कोई क्लिनिकल सस्पिशन हो क्लिनिशियन के लेवल पर एनालिसिस करके जरूरत पड़े तो PCR टेस्ट भी करें। साथ ही जैसे हमने कल डिस्कस किया था, आज जो भी हमारे रिजल्ट आ रहे हैं उनके पीछे मुख्यतः फील्ड लेवल पर जो हमारे कोविड के जो योद्धा हैं, कोविड के जो कंसर्न एम्प्लॉयज़ हैं, जो मिलकर काम कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट हम लोग देख पा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने आगरा और दिल्ली और एम्स वगैरह के बारे में बात की थी कि कैसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कैसे केरला का एक जिला कासरगोड में इस तरीके से कंटिन्यूड एफर्ट करते हुए जो हमारी क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कैसे अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके तहत अगर आप देखें तो इस जिले में 168 टोटल पॉजिटिव केसेज आए, जिसमें से 113 केस ऑलरेडी क्योर हो चुके हैं। और सबसे पॉजिटिव बात है, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस करते हुए जिले में एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। आज 55 एक्टिव केसेस है जिनको भी प्रॉपरली क्लिनिकली मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ इसके क्या चैलेंजेस थे जिले के, तो वहां पर अब्रॉड पॉपुलेशन अराउंड 15.38% थी। थर्ड केस जो इंडिया में रिपोर्ट हुआ उसकी चाइना से ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसको जिले में कंटेन किया गया, मॉनिटर किया गया। सेकेंड वेव जब 16 मार्च से वेस्ट एशिया से जो इस जिले के रहने वाले लोग लौटे, तो उसकी वजह से सडन स्पर्ट इन केसेस वहां पर नोट किया गया। काफ़ी चैलेंजेस थे, चैलेंजेस के रूप में देखे तो एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट था, स्टेट कैपिटल से दूर था, ज्योग्राफिकली डिस्टेंट था मेजर टाउन से, साथ में इतने सारे लोग एनमास जब लौटे विदेशों से जो एक्सपैट्रिएट, तो वो किसी एयरपोर्ट पर आए, किसी एयरपोर्ट से डिफरेंट मेथोडोलॉजी से ट्रैवल करके रेल से रोड से वो जिले में पहुंचे, तो उससे संबंधित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उन सब केसेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था।